हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी की 9वें महीने में डिलीवरी से पहले क्या सिम्टम्स होते हैं और हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का आखिरी महीना हर महिला के लिए अलग एक्सपीरियंस लाता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हर महिला को ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि डिलीवरी हमारी कब होने वाली है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के 37वें सप्ताह से लेकर 40वें सप्ताह के बीच में कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। प्रेगनेंसी के समय आपको आखिरी की कुछ हफ्तों में कुछ सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनका मतलब ये होता है कि आपका जो सर्विक्स है वो खुल रहा है और आप डिलीवरी के लिए रेडी हो रही हैं, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सी महिलाओं को इन सिम्टम्स के बारे में पता नहीं चल पाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सारे सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिनसे आपको ये पता चल जाए कि आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट करीब आ गई है। उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वैसे तो डिलीवरी अगर सही समय पर हो जाए तो बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आपको 37वें सप्ताह से पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन में आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का दुख झेलना पड़ता है। और अगर कभी प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह के बाद भी अगर लेबर पेन ना हो तो आपको ऑपरेशन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी की ज़रूरत पड़ जाती है, जो दोनों ही आपके शरीर के लिए बुरी होती है, क्योंकि आपकी और आपके बच्चे के लिए सबसे हेल्दी नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। इसलिए अगर आपको ये पता लगाना है कि आप नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए क्या क्या कर सकती हैं, तो मैंने नीचे हमारी वीडियो का लिंक दिया है, आप हमारी उस वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आइए अब आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिनसे हमें ये पता चल सके कि अब डिलीवरी का समय करीब आ गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहला सिम्टम होता है प्रेगनेंसी में म्यूकस के साथ खून आना। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स में म्यूकस जमा रहता है, परंतु जब सर्विक्स खुलने लगता है तो ये म्यूकस खून के साथ आपके प्राइवेट पार्ट से बाहर आने लगता है। म्यूकस के साथ खून का आना डिलीवरी करीब आने का लक्षण हो सकता है। आपका ये म्यूकस रंग में गुलाबी और गाढ़ा भी हो सकता है। दूसरा सिम्टम होता है प्रेगनेंसी में इस समय कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया हो जाना। डिलीवरी की डेट पास आते आते आपका पेट खराब होना या फिर कॉन्स्टिपेशन होना भी एक संकेत होता है, जो कि एक नॉर्मल सिम्टम होता है। तो अगर आपको डायरिया हो जाए, आपको बहुत हाइड्रेट रहना है, इसके लिए आप खूब पानी पीती रहें, और अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो फाइबर से भरपूर चीज़ें लेती रहें। ऐसा करने से आपको इस टाइम बहुत आराम मिलेगा। तीसरा सिम्टम है कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आपको अपने यूट्रस की मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी इंटेंसिटी लगातार तेज होती जाती है, जो डिलीवरी का सिम्टम है। और इसका मतलब ये है कि आपका सर्विक्स भी ओपन हो गया है और आप डिलीवरी के लिए तैयार हैं। नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट से कम समय के इंटरवल पर भी हो सकते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन से आपको यूट्रस में बहुत तेज दर्द फील हो सकता है और ये दर्द ऊपर से नीचे की ओर चलता है। इस समय प्रेग्नेंट महिला की सर्विक्स पतली और नरम होकर खुलने लग जाती है। ये नॉर्मली 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के समय बड़ी ही आसानी होती है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन आने लगती है, क्योंकि जैसे ही शिशु अपना सर पेल्विक एरिया की ओर ले जाता है, आपके प्राइवेट पार्ट पर और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है, जिस कारण आपको इस टाइम बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत फील होने लगती है। इसके अलावा आपको इस समय पीठ दर्द भी बहुत होने लगता है। अगर आपका शिशु आपके यूट्रस में हेड डाउन पोजिशन में है तो आपको कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है और साथ में आप पीठ दर्द भी फील कर सकती हैं। और अगर आपकी पीठ का ये दर्द धीरे धीरे आपके पेट से होकर टांगों तक भी पहुंच जाता है। इसके अलावा आपको डिलीवरी के आसपास वाटर ब्रोक से होने से पहले एम्यूनिटिक थैली से वाटर लीक होने लगता है, और करीब 80% महिलाओं में पानी की थैली यानी कि एम्यूनिटिक झिल्ली का फटना डिलीवरी होने का सिम्टम होता है। आमतौर पर पानी की थैली ठीक कॉन्ट्रैक्शन से पहले फट जाती है, लेकिन 8% से कम महिलाओं में ये थैली समय से पहले ही फट जाती है। फिर भी अगर थैली फट जाए तो तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे।
अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।